मुझे ना एक कमेंट आया था कि मुझे टोपी पहन के वीडियो बनाना चाहिए, उससे मैं ज्यादा प्रोफेशनल लगता हूँ। बट आज ना थोड़ा ऐसे गुड हेयर डे है, इसलिए मैं अगले वीडियो में टोपी पहनूंगा। बट आज हम लोग बात करेंगे थंगलान टीजर के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था। बट आई टुक सम टाइम, बट टुडे इज द डे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस टीजर। स्टे ट्यून्ड। तो थंगलान, सबसे पहले तो मैं इस वर्ड का मीनिंग जानना चाहता हूँ, क्योंकि गूगल में भी जब मैंने सर्च किया तो ये सन ऑफ गोल्ड करके ही आया। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बट इंटरेस्टिंगली ना, इस टीजर में कोई भी डायलॉग नहीं था, फिर भी यहाँ पे हिंदी में और अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है टीजर को। आई डोंट नो व्हाई। और मैंने इसके बारे में अभी तक बात नहीं करी थी, क्योंकि द नेचर ऑफ माई वर्क, मतलब नेचर ऑफ माई वे ऑफ मेकिंग वीडियोज, वो होता है कि मैं डिटेल्स में देखता हूँ, मुझे एकदम डीप जाके देखना होता है और मैं उनके ऊपर बात करता हूँ, तो बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता। बट मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ वेरी यूनिक और समथिंग न्यू इन इंडियन सिनेमा। मुझे पता है आप लोग क्या क्या एग्जाम्पल दोगे, बट फिर भी वी ऑल हैव टू एग्री कि दिस इज समथिंग न्यू। मैंने एक बार कमल हसन सर के एक अनरिलीज मूवी के बारे में मैंने बताया था, दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। सो आई एम रियली ग्लैड कि जो कमल हसन सर उस टाइम पे नहीं कर पाए, शायद अभी वो हो रहा है इन सम लेवल। मुझे नहीं पता कि कितना सिमिलैरिटी या फिर कुछ भी सिमिलैरिटी है, तो बट फिर भी इट लुक्स गुड इन माय ओपिनियन। एंड कुडोस टू चियान विक्रम फॉर डूइंग दिस लाइक द वे ही इज डूइंग इट। अब इस टीजर के बारे में जो एकदम डिटेल में बात करने लायक एक चीज है, वो है इस टीजर का कलर ग्रेड। सो दिस इज वेरी गोल्डनी येलोइश काइंड ऑफ कलर ग्रेड इसमें किया गया है। और आपने ना कभी कभी नोटिस किया होगा कि कोई भी मूवी होती है जो आप अपने मॉनिटर में, टीवी में या फिर मोबाइल में देखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा डार्क लगता है। आपको लगता है कि इतना डार्क क्यों बनाया, मतलब इतना डार्क कलर ग्रेड से कोई कैसे समझ सकता है कि ऑडियंस को वहाँ पे कुछ भी दिखेगा। एक्चुअली होता क्या है पता है, डेडिकेटेड रिलीजेस होती हैं, मतलब आई थिंक 10-15 साल हो गए जब से सीरी निकला था, उस टाइम से मूवीज ना डेडिकेटेड रिलीजेस करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले जब टीवी का फॉर्मेट स्क्वायर था, मतलब पाल बोलते हैं उस फॉर्मेट को, उस टाइम पे क्या था कि जो वाइड स्क्रीन मूवी था ना, उसको वो लोग अलग से एडिट करते थे ताकि वो पाल फॉर्मेट, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में फिट हो, ताकि अगर कैमरा किसी एक्टर को दिखा रहा है तो उस फ्रेम में उस एक्टर का चेहरा आए। वो होता था पहले जब टीवी या सीडी का ज़माना था। लेकिन आजकल वही चीज़ क्या हो गया पता है, आजकल मूवी जब डेडिकेटेड रिलीज होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, मतलब पहले थिएटर में रिलीज होगी, उसके बाद ओटीटी में रिलीज होगी, तो वो लोग ना कलर ग्रेड पे ध्यान देते हैं। मतलब मूवीज आर मेंट टू बी वॉच्ड इन अ डार्क थिएटर, राइट? तो वहाँ पे जो ब्राइटनेस रहेगा वो बहुत सारे डेडिकेटेड रिलीजेस में ना वो लोग इंक्रीज करते हैं फॉर टीवी एंड ओटीटी रिलीज। जिन मूवीज में वो चीज़ नहीं होता है, वो हम लोग को टीवी या मोबाइल में बहुत ज़्यादा डार्क लगता है, क्योंकि हम लोग एक अंधेरे एनवायरनमेंट में देख के उसको नहीं देख रहे हैं। और अब इस फिल्म की अगर हम लोग बात करें ना, तो किसी भी फिल्म का, मतलब किसी भी फिल्म का अगर आपको कलर ग्रेड एकदम बेसिक्स जानना है कि किस टाइप का कलर ग्रेड हुआ है उस मूवी का ना, आप बस वाइट्स को ले लीजिए। मतलब इस ट्रेलर के अगर हम लोग ऐसे पार्ट्स को देखेंगे विच इज़ सपोज टू बी वाइट, और उसको अगर हम लोग एक्चुअल प्योर वाइट से कंपेयर करेंगे, देन वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ कलर ग्रेड हैपेंड इन द मूवी। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ वेरी बेज, और आप लेमन टर्म्स में येलोइश टाइप का बोल सकते हो, क्योंकि जो वाइट होना चाहिए था वो भी ऐसा हो गया है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, क्योंकि ये मूवीज़ में काम करता है, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि मूवीज़ आर आइसोलेटेड, मूवीज़ आर मेंट टू बी वॉच्ड इन अ थिएटर। बट बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब मैं भी करता था पहले, इस टाइप के कलर ग्रेड्स करते हैं, सिनेमैटिक कलर ग्रेड्स करते हैं, तो क्या होता है ना कि मतलब स्पेशली डार्केंड, मतलब थोड़ा जो कॉन्ट्रास्ट कम होता है जिसमें, तो क्या होता है अगर कोई बंदा ऐसे अपने मोबाइल में देख रहा है ना विथ सो मेनी डिस्टर्बेंसेस इन द बैकग्राउंड, नॉट नेसेसरीली वो अंधेरे रूम में देखेगा, वो मे बी एयरपोर्ट में बैठ के देख रहा है या फिर बस स्टेशन में देख रहा है, ट्रेन में जाते हुए देख रहा है, तो वो फील नहीं आता है एंड थोड़ा डिस्टर्ब भी लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप कलर ग्रेड कर रहे हो। एंड यहाँ पे इस ट्रेलर में ऑफकोर्स जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी ऑन पॉइंट है। यहाँ पे ये लेडी है एंड वी कैन सी वन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब कैसे सिनेमाटोग्राफी से, कैसे स्क्रीन प्ले से, कैसे कलर ग्रेड से उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, जो मैंने RRR वाला एग्जांपल दिया था वो वाला चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, बट वेरी सबलिमिनली, मतलब ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखेगा, इन योर आइज इट विल लुक प्लेन। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि
जब भी मूवीज में कोई भी ब्लड शॉट आता है उसको बेसिकली ओवरले किया जाता है ऊपर, तो जब अच्छे से होता है विथ प्रॉपर ट्रैकिंग एंड ऑल एवरीथिंग तो ना वो पता नहीं चलता है, कि ऐसा लगता है कि ओके सीन का ही पार्ट है। लेकिन मैंने जैसे बोला था ना कि जब कोई चीज़ अच्छे से नहीं होता है तब हमें वो इफेक्ट दिखता है, मतलब वो इल्यूजन हम लोग का ब्रेक होता है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक और ट्रेलर या टीज़र का ब्रेकडाउन करने का रिक्वेस्ट आया था, उसमें भी ये चीज़ था, आप देख सकते हो वहाँ पे ना ऐसे ब्लड का जो शॉट है वो कंपोजिटिंग वहाँ पे पता चलता है कि कहाँ पे उन लोगों ने कंपोजिट किया और कैसे कंपोजिट किया। और मुझे जो चीज़ इस टीज़र का सबसे अच्छा लगा वो है ये ट्रांजिशन, मतलब आई एम श्योर ये ना स्टोरी बोर्ड का पार्ट था, ये उन्होंने शूट करने से पहले प्लान किया, वरना एडिटिंग में ऐसे चीज़ों को करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए दिन में और रात में कैमरा एग्जैक्टली सेम पोजीशन में सेम एंगल में होना पड़ेगा तभी ये मैजिक हो सकता है। ये एडिटर इसको क्या बोलते हैं, क्यूरेट नहीं कर सकते कि ओके मेरे पास ये क्लिप है मेरे पास ये क्लिप है इन दोनों को मैं ऐसा करता हूँ, वो आई डोंट थिंक एडिटर एडिटिंग टेबल पर ये हो सकता है, ये प्लानिंग में स्टोरी बोर्ड प्रोसेस में ही होगा। और जहाँ तक रही CGI की बात, देखिए दिस इज़ टू अर्ली, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, अगर CGI हुआ भी है तो देख के पता नहीं चलता है, बट सिर्फ ऑफ कोर्स ये सांप वाला जो सीन है ये CGI है। सो आई थिंक चियान विक्रम इज जस्ट एक्टिंग हियर, मतलब विदाउट होल्डिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वो सांप जब उनको बाइट करता है ना तो यहाँ पे कोई भी शेडो वेडो नहीं है। सो दिस स्नेक इज एक्चुअली CGI ऑफकोर्स, बट एक्टिंग बहुत अच्छे से हुआ है, और एक्टिंग के साथ ट्रैकिंग, मतलब उनके एक्टिंग के हिसाब से बाद में उस सांप को एनिमेट करना पड़ा। एंड आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जैसे कि जब भी आप किसी सीन में CGI ऑब्जेक्ट को डालते हो ना तो जो नेकेड प्लेट है, मतलब जो प्लेन प्लेट है, वो तो आप पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हो, और उस प्लेट में जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से आपको CGI का एनिमेशन करना पड़ेगा। सो इट लुक्स सिंपल और ईजी बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। एंड मुझे ना इस ट्रेलर का म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा लगा, वो जो बड़ा ऐसे वेरी ड्रामेटिक एंड ओवर द टॉप टाइप का म्यूज़िक दिया गया है, एक अलग सा फील देता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट अबाउट। और शायद ये जो लास्ट शॉट में ना ये खून ऐसे जाके गोल्ड बन जाता है, मतलब देयर सम मिस्ट्री, मतलब आई थिंक दिस मूवी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू वेट फॉर मोर कंटेंट टू ब्रेक डाउन, मतलब अगर जब प्रॉपर ट्रेलर निकलेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस ट्रेलर में, बट फॉर नाउ फॉर दिस टीजर दिस वॉज माई ब्रेक डाउन, आई होप यू लाइक इट। ज़्यादा कुछ नहीं था बोलने के लिए, आई नो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था वीडियो, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट आया तो सोचा कि बता दूं जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू वॉच द ट्रेलर ब्रेकडाउन जब आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्टेंट होगा फॉर मी टू टॉक अबाउट। सो टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड दिस इज शमीम, यू वॉचिंग की बाकी बी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।